9.5, इसमें आपको आइडेंटिटी यूज करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन है, इसको हम 9.4 की तरह भी कर सकते, जैसे मैंने कल किया वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि यूज आइडेंटिटी यूज करनी है। आप आइडेंटिटी मतलब खुद फॉर्मूला यूज करना है। इसमें कैसे करेंगे, देखो ये और ये नंबर बिल्कुल सेम है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, मतलब यही संख्या सेम दो बार हो गई, तो इसके ऊपर क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर। जैसे होता है ना, ए को ए से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है ए स्क्वायर, सेम नंबर है बीच में मल्टीप्लाई है तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, दोनों नंबर सेम है तो होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इसके लिए लगाएंगे आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इसके लिए आती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो सब जगह प्लस आ रहा है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पर क्या आता है माइनस, यहाँ पर ओनली स्क्वायर आगे माइनस नहीं आता है, यहाँ पर आता है माइनस अगर माइनस होता तो। इसका मतलब a के सामने क्या लिखा हुआ है x, b के सामने क्या लिखा हुआ है 3, मतलब जहाँ जहाँ a है वहाँ हमें x लिखना है, जहाँ जहाँ b है वहाँ हमें 3 लिखना है। ऐसा दिया हुआ होता तो ये इसका उत्तर होता, तो ये इसका उत्तर है, तो ये ऐसा ये उत्तर है इसका ए, ए का मतलब होता है एक्स और बी, बी का मतलब होता है 3, बीच में क्या दे रखा है प्लस। अब यहाँ लिखा हुआ 2ab, 2a b a, मतलब एक्स भी आएगा और 3 भी आएगा, ये अलग नंबर है ये अलग है ये अलग, तीनों को अलग अलग लिखेंगे हम। x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, 2 3 6 x प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो गया इसका आंसर, ये लिखा हुआ है तो उसकी तरह जमाएंगे उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है सेम, दो बार दे रखा है तो ये आएगा 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ लगाएंगे आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा दो, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दो। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि a की जगह आपको 2y लिखना है, b की जगह 5 लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे a की जगह 2y और b की जगह लिखेंगे 5। अब बीच में आएगा 2a इंटू बी, a इंटू बी मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है a से और b से, ए से एंड बी से। अब ब्रैकेट हटाएंगे, ये 2 इस 2 पर भी है और y पर भी है, तो 2 2 4 y² 2 2 4 4 5 20, तो y का y प्लस 5 5 कितना होता है 25। इसको अगर आप बिना आइडेंटिटी से भी करेंगे जैसे 9.4 में किया तो भी आपका आंसर ही आएगा, ये थोड़ा जल्दी आ जाता है, आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है 2a-7, यहाँ पर दोनों सेम लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 2a-7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपके माइनस है तो आइडेंटिटी आएगी माइनस वाली, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा माइनस, चाहे माइनस आगे आए यहाँ यहाँ पर आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a का मतलब हो गया 2a, b का मतलब 7, माइनस से माइनस दे रखा है तो माइनस को चेंज नहीं करना, केवल a और b को चेंज करना है, तो a का मतलब 2a, b का मतलब 7 और माइनस का माइनस, और बीच में क्या आएगा 2 into a into b, a का मतलब 2a, b का मतलब 7, 2 2 4 a² 2 2 4 4 7 28a प्लस 7 7 49। अब ये दे रखा है आपके सेम नंबर है तो यहाँ लिखेंगे हम 3a-1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे a-b का होल स्क्वायर, बार बार आइडेंटिटी लगाने से आइडेंटिटी याद भी होती है, तो हर क्वेश्चन में लगाया करो a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए का मतलब 3a, बी का मतलब हाफ, और माइनस का माइनस है, अगर यहाँ प्लस होता ना तो हम बी को माइनस का 1/2 मानते,
अब ए दे रखा है, ए कितना है 3a, और बी दे रखा है 1/2, बीच में आएगा 2 into ए, ए कितना है 3a, बी कितना है 1/2, या तो बना दो ब्रैकेट या लगा दो इंटू, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये आया है 3×3=9a² माइनस 3a × 1 3a, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, नंबर बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या हुआ इस बार, इसमें एक बार माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो हमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a-b a+b, मतलब ये दोनों नंबर सेम है, जो यहाँ लिखा हुआ वही यहाँ पर लिखा हुआ है, बस फर्क क्या है, एक में माइनस है एक में प्लस है। अगर ऐसा आ जाए 1+1-, तो उसका मतलब होता है a²-b², उसका उत्तर ये होता है। अब a कौन सा है, 1.1 m, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये a है पर ये वाला b है, तो a कितना है 1.1 m, यहाँ का क्या करेंगे हम होल स्क्वायर। फिर b, b दे रखा है 0.4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसे लिख सकते हो चाहो तो, a की जगह हो गया 1.1 m और b की जगह हो गया 0.4 m, बस यही है, ये इसका मतलब हमने यहाँ ऐसे मानना है, कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, आपको आता है डायरेक्टली तो मान लो, या पॉइंट है ही नहीं, 11 है तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब यहाँ एक छोटा पॉइंट है, स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 छोड़कर पॉइंट लगेगा, और ये स्क्वायर m पर भी है तो यहाँ आएगा m स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ एक छोटा पॉइंट है, स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 छोड़कर पॉइंट आएगा, अब ये वाला बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर इसमें आगे माइनस क्या करेंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे, क्योंकि माइनस बीच में होना चाहिए, माइनस कहाँ होना चाहिए, बीच में, तो हम क्या करेंगे कि इसको बीच में लाने की कोशिश करेंगे, मतलब ऐसे करेंगे, ये लिखेंगे आगे और ये लिखेंगे हम पीछे पीछे, तो इसमें बी आगे है ना, इसमें बी आगे करो तो क्या हो जाएगा, b² + a², ये दोनों प्लस के हैं, जबकि यहाँ पर b² प्लस का है और a² किसका है आपके, माइनस का, थोड़ा अलग अलग कर दिया। अब हम लिखेंगे आइडेंटिटी, a+b a-b का मतलब होता है a²-b², आइडेंटिटी के लिए चाहो तो ऐसे बना सकते हो ब्रैकेट ताकि अलग से दिखे। अब a का मतलब क्या हुआ, b² अब b का मतलब क्या हुआ, a² a का मतलब क्या हुआ, b², इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। ये तो a का मतलब हुआ, स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पर भी ऐसे ही ये हो गया आपका a, ऐसे कर सकते हो। अब b, b का मतलब क्या हुआ, a² ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। अब b के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर हो तो पावर पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो b की पावर कितनी हो जाएगी, 2×2=4, मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, 2×2=4, हमारा आंसर हो गया है b की पावर 4 माइनस a की पावर 4। यहाँ पर भी एक बार माइनस में या प्लस में है, तो हम यहाँ लिखेंगे a-b a+b का मतलब होता है a²-b², क्योंकि यहाँ पर अलग अलग साइन है, तो a का मतलब हो गया 6x, a का मतलब क्या हो गया 6x, ऊपर क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। b का मतलब क्या हो गया, 7 का होल, 6x का मतलब 6 का स्क्वायर 36, x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। अब ये वाला देखो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल, लेकिन इसमें माइनस आगे है, आप थोड़ा चेंज कर दो, ऐसे कर देते हैं c-a ताकि थोड़ा अंदर रहेगा, माइनस तो सॉल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा, बिल्कुल सेम आ गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर c-a का होल स्क्वायर कर देंगे, आई यहाँ पर दोनों में साइन एक जैसे ही है इसलिए होल स्क्वायर आएगा। अब ये आइडेंटिटी आएगी, a-b का होल स्क्वायर = a²-2ab+b²,
ए की जगह सी यूज़ करना है और बी की जगह ए यूज़ करना है। ए की जगह सी यूज़ करना है और बी की जगह ए यूज़ करना है। बी की जगह ए यूज़ करना है क्योंकि ये सेम है, बस ए की जगह सी यूज़ करना है, बी की जगह ए यूज़ करना है। जहाँ जहाँ ए लिखा वहाँ सी लिख दो, जहाँ जहाँ बी लिखा वहाँ पर ए लिख दो। यहाँ पर दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, जो यहाँ लिखा हुआ सेम यहीं लिखा हुआ है और साइन भी सेम है। तो पहले क्वेश्चन की तरह करेंगे हम, एक्स प्लस टू प्लस थ्री बाई अपॉन फोर का होल स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ब्रैकेट लगाओ नहीं लगाओ आपकी इच्छा है। ए का मतलब क्या हो गया, एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, टू इंटू ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स बाई टू भी आएगा एंड थ्री वाई बाई फोर भी आएगा प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, थ्री वाई अपॉन फोर का होल स्क्वायर। अब यहाँ तो रहेगा आपके एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू का कितना हो जाएगा फोर, टू से टू क्या हो गया कट, और ऊपर क्या बना थ्री एक्स वाई और नीचे क्या बना फोर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, वाई का वाई स्क्वायर, फोर का कितना होता है सिक्सटीन, फोर फोर जा सिक्सटीन। अब ये वाला सेम नंबर है, बिल्कुल सेम साइन है, तो ये हो जाएगा आपके सेवन ए माइनस नाइन बी का होल। आइडेंटिटी क्या लगेगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो हमारे पास है, ये आंसर है। तो ए का होल स्क्वायर मतलब होता है, ए का मतलब क्या होगा सेवन ए, बी का मतलब नाइन बी, टू का टू, ए का मतलब सेवन ए, बी का मतलब नाइन बी, बी का मतलब नाइन बी, नाइन बी का होल स्क्वायर। सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन ए स्क्वायर, टू सेवन जा फोर्टीन, फोर्टी नाइन जा वन ट्वेंटी सिक्स, ए बी आएगा एंड बी भी आएगा प्लस नाइन का होता है एट्टी वन बी का स्क्वायर। सारे अलग अलग हैं इसलिए कोई भी एडलेस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर टू है, इसमें आपको ये वाली आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में यूज़ करनी है। तो यहाँ पर देखो ये आइडेंटिटी अगर यूज़ करते हैं तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, एक्स ही है, और ए का मतलब थ्री, बी का मतलब सेवन। तो जहाँ जहाँ एक्स है हमें एक्स ही लिखना है, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर थ्री यूज़ करना है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर सेवन यूज़ करना है। और ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमारा आंसर क्या है ये वाला है। तो ये आइडेंटिटी है, तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट बना लो। अब जहाँ जहाँ एक्स है हमें एक्स ही लिखना है, प्लस ए प्लस बी, अब ए कितना है थ्री, बी कितना है सेवन, एक्स का एक्स, ए कितना है थ्री, बी कितना है सेवन। यहाँ पर कोई साइन नहीं बीच में, तो मल्टीप्लाई मानेंगे। ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, सेवन प्लस थ्री टेन, और सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन। यहाँ पर भी करेंगे ऐसे ही, फॉर्मूला हो गया एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इजिकल टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये गल प्लस वाली आइडेंटिटी है, कोई माइनस वाली आइडेंटिटी नहीं है इसमें। अब एक्स का मतलब क्या है फोर एक्स, ए का मतलब क्या है फाइव, बी का मतलब क्या है वन। तो पहले ये वाला एक्स का मतलब क्या है फोर एक्स, ए प्लस बी, ए का मतलब फाइव, बी का मतलब वन, तो फाइव प्लस वन एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है फोर एक्स, ए बी, ए बी मतलब ये दोनों फाइव इंटू वन, ये दोनों ए बी फाइव मल्टीप्लाई वन। अब यहाँ पर फोर फोर जा सिक्सटीन, फाइव प्लस वन
सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से, 24। इन दोनों को पहले ऐड करना है, सिक्स होगा सिक्स इंटू फोर 24x प्लस फाइव बन जा फाइव। कैसे करना? नेक्स्ट है ये वाला, इसमें भी वही एडिंग लगाएंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ध्यान रखना, x का मतलब क्या होता है 4x, a का मतलब माइनस फाइव, यहाँ साइन का ध्यान रखना, यहाँ प्लस है जबकि यहाँ माइनस है, तो a का मतलब क्या हुआ माइनस फाइव, b का मतलब माइनस वन, x का मतलब क्या हुआ, ये उत्तर हमारा ये है, तो x का मतलब क्या हुआ 4x, a का मतलब क्या हुआ माइनस फाइव, b का मतलब क्या हुआ माइनस वन, x का मतलब क्या हुआ 4x, ए बी मतलब a तो है माइनस फाइव, b है माइनस वन, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, फोर फोर जा सिक्सटीन। अब ये दोनों ही माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे, प्लस बस ऐड होंगे, माने माइनस प्लस मतलब दोनों को ऐड करना है, फाइव प्लस वन कितना हो गया सिक्स, सिक्स इसके माइनस का सिक्स है, माइनस सिक्स इंटू फोर, सिक्स फोर जा 24। और यहाँ पर ऐड हुआ है, ऐड में साइन क्या हो गया माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का सिक्स इंटू प्लस का फोर इजिकल टू माइनस का 24। पीछे अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस फाइव बन जा फाइव। अगर आपने दोनों को ऐड कर लिया है तो साइन चेंज नहीं होगा, हाँ अगर मल्टीप्लाई किया है डिवाइड किया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। थोड़ा ये चीज़ का ध्यान रखना आप। ये वाला x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यह x का मतलब 4x है, a का मतलब 5 है और b का मतलब माइनस वन है, b की जगह माइनस वन है ओनली, x का मतलब 4x प्लस a का मतलब प्लस का फाइव, बी का मतलब माइनस का वन, एक्स का मतलब 4x, ए का मतलब प्लस का फाइव, बी का मतलब माइनस का वन, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ये अलग से है, ये अलग सॉल्व करना है, ये अलग सॉल्व करना है, तो फोर का हो जाएगा 16, फाइव माइनस वन फोर, नंबर बड़ा कौन सा है प्लस वाला, तो प्लस का फोर इंटू फोर, फोर फोर जा 16, ये भी प्लस का था ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 ही रहेगा। अब यहाँ पर आपके ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस फाइव बन जा फाइव, ऐसे इसको सॉल्व करना। यहाँ पर भी ऐसे ही है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, देखो जब भी अगला नंबर सेम हो बट पीछे वाला नंबर सेम नहीं हो तभी ये आपको यूज़ करना है, फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी यूज करनी। एक्स का मतलब होता है आपके 2x का होल स्क्वायर, ए का मतलब होता है आपके, ए का मतलब है 5y, बी का मतलब कितना है 3y, एक्स का मतलब कितना है 2x, ए का मतलब 5y, बी का मतलब 3y, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, टू टू जा फोर एक्स स्क्वायर, फाइव प्लस थ्री वाई कितना होता है माइनस, प्लस का एट हो गया, एट एट का डबल 16, एक वाई यहाँ पर है क्योंकि प्लस है ना, प्लस में वाई नहीं बढ़ता है, तो ये फाइव वाई था, ये थ्री वाई, फाइव और थ्री एट वाई हो गया, स्क्वायर नहीं हुआ, तो वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, एक एक्स का नहीं वाई का, भले यहाँ दो लिखा हुआ लेकिन ऐड करने पर वाई एक बन जाएगा, हाँ लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वाई बढ़ता है, फाइव थ्री जा 15 वाई, इसको चलो अलग अलग कर सकते हो, इसको अलग से सॉल्व कर लो, कितना होता है 8y, फिर इस 8y को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, एक लाइन बढ़ा सकते हो चाहो तो। अब ये वाला a प्लस क्या नाम था, x प्लस a एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स का मतलब, अब ये उत्तर है हमारा, एक्स का मतलब क्या हो गया, टू ए प्लस, यहाँ पर ए पर भी स्क्वायर है, ए पर भी स्क्वायर है। अब ए कितना हुआ, नाइन, बी कितना हुआ, फाइव, लास्ट में क्या लिखा, एक्स का मतलब क्या हुआ, टू ए स्क्वायर। ए भी मतलब होता है ए को बी से मल्टीप्लाई करना, चाहो तो एक लिए बढ़ा सकते हो, ये टू टू जा कितना हो गया, फोर, ए कितना हो गया, टू अंदर टू बाहर, फोर टाइम, नाइन और फाइव कितना हो गया, फोर्टीन, एक बार चाहो तो ऐसे बढ़ा सकते हो लाइन, नाइन फाइव जा 45, जैसे आप चाहो यहाँ पर भी लाइन बढ़ा सकते हो, यहाँ पर एट बाई लिख कर आगे एक बार और वापस लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो 14 टू जा 28 ए स्क्वायर प्लस 45, ऐसे इसको लिखना है। नेक्स्ट दे रखा है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इजल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स की जगह लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, ए का मतलब माइनस फोर और बी का मतलब माइनस टू, एक्स का मतलब एक्स वाई जेड, ए का मतलब माइनस फोर, बी का मतलब माइनस टू, एक्स का मतलब एक्स वाई जेड, ए का मतलब माइनस फोर, बी का मतलब माइनस टू। अब स्क्वायर है ना, तीनों पर होगा ये, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस का सिक्स हो गया, पीछे क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड, माइनस माइनस प्लस, ऐड करने पर कभी साइन चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, फोर टू जा एट, ये होगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर वन की तरह ही है, बस यहाँ पर सीधा क्या दे दिया, देखो हम क्या करते थे, यहाँ पर दो अलग अलग दिए जाते थे, फिर इसको ऐसा करते थे, ये ऑलरेडी सीधा ही ऐसा ही दे रखा है, हमें एक लाइन हमें कम लेनी पड़ेगी। आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए का मतलब बी और बी का मतलब सेवन, ए का मतलब बी, टू इंटू ए का मतलब सेवन बी और बी का मतलब सेवन, बी का मतलब सेवन, बी का हो जाएगा बी का होल स्क्वायर माइनस फोर टू जा फोर सेवन जा फोर्टीन, टू सेवन जा फोर्टीन, फिर बी का बी प्लस सेवन का स्क्वायर 49। अब यहाँ पर करेंगे तो ये हो गया आपका ए प्लस बी का इजकल टू होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए का मतलब एक्स वाई, बी का मतलब थ्री जेड, तो ये हो गया आपके एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स वाई इंटू थ्री जेड प्लस थ्री जेड का होल, सॉल्व करो इसको, आगे लिख देना जगह हो तो, स्क्वायर लगा हुआ दोनों पर आएगा, एक्स पर भी स्क्वायर एंड वाई पर भी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा टू थ्री जा सिक्स, एक्स भी आएगा वाई भी आएगा जेड भी आएगा, और थ्री का होता है नाइन जेड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें भी आइडेंटिटी लगानी है आपको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए का मतलब हो गया सिक्स एक्स स्क्वायर और बाहर भी होल स्क्वायर, टू का टू, ए का मतलब सिक्स एक्स स्क्वायर, बी का मतलब फाइव वाई, माइनस नहीं, यहाँ माइनस आ गया है तो यहाँ माइनस नहीं बोलते, प्लस फाइव वाई का होल स्क्वायर, सिक्स का होता है 36, एक्स की पावर टू टू, यहाँ पर हो गया फोर, टू सिक्स जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी, एक्स स्क्वायर वाई, फाइव फाइव जा 25 वाई स्क्वायर। अब ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर,
अब ए का मतलब क्या हो गया आपके, 2/3m, 2 into ए का मतलब क्या हो गया है, 2/3m, बी का मतलब क्या हो गया, 3/2n प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या आया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, एम स्क्वायर, 2 का 2 एम एन, 3 का होता है 9, 2 का होता है 4 एन स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बार बार आइडेंटिटी को याद हो जाएगी। अगला वाला a का मतलब क्या हुआ, 0.4p का होल स्क्वायर, 2 into a का मतलब क्या हुआ, 0.4p, b का मतलब क्या हुआ, 0.5q प्लस 0.5q का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16p स्क्वायर, यहाँ पॉइंट लगेगा, 2 छोड़ दो। अब यहाँ पर माइनस का माइनस, 4 2 जा 8, 8 5 जा 8 5 जा होता है 40, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पी भी आएगा एंड क्यू भी आएगा, ये जीरो नहीं लगाओ तो चलता है, 0.4 भी राइट है, यहाँ पर 5 5 जा 25। अब ये वाला यहाँ लगेगी a प्लस बी का इजिकल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a का मतलब क्या हुआ, 2xy का होल स्क्वायर प्लस 2 into 2xy into 5y प्लस 5y का होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, एक्स एक बार है और वाई कितनी बार हो गया आपके, 2 टाइम हो गए, फिर यहाँ पर 5 5 जा 25, 1 वाई का हो जाएगा 2 टाइम, तो ये हो जाएगा आपके वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देर का है, फोर्थ नंबर, इसमें आइडेंटिटी करनी है, क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर, बी का मतलब बी स्क्वायर, अब ये a है ये b है, क्या होगा, a का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर इसके ऊपर होल स्क्वायर, बी का मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर इसके ऊपर होल स्क्वायर, बीच में क्या आएगा, 2 into a into b, a into b, क्योंकि a का मतलब a स्क्वायर है, b का मतलब b स्क्वायर, a की स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर b, तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4 हो जाए। अब यहाँ पर देखो, दो दो आइडेंटिटी लगेगी, इसकी आइडेंटिटी अलग, इसकी आइडेंटिटी अलग, ऐसे a प्लस b का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, हम प्लस है तो प्लस, तो इसके लिए लगेगी प्लस वाली आइडेंटिटी, इसके लिए लगेगी माइनस वाली, और बीच में आएगा माइनस, जब भी बीच में माइनस हो तो ब्रैकेट लगा दिया करो, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, और बीच में क्या आएगा, माइनस, इसके लिए लगेगी प्लस वाली आइडेंटिटी, ए का होल स्क्वायर प्लस 2 into ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ लगे प्लस की, यहाँ माइनस है तो माइनस वाली लगेगा, फर्स्ट संख्या का होल स्क्वायर माइनस 2 into फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट भी हटाने, साइन भी चेंज करना, ये हो गया 2 2 जा 4x स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20x, 5 5 जा 25। अब यहाँ माइनस है, सबके साइन क्या होंगे, चेंज, ये प्लस वाला है तो हो जाएगा माइनस, 2 2 जा 4x स्क्वायर, ये हो गया माइनस, 2 2 जा 4, 4 5 जा
ट्वेंटी एक्स, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, कट जो काट दो। देखो सेम ये प्लस का है, सेम ये माइनस का है, ये वाला प्लस का ये वाला माइनस का, तो क्या बचा ट्वेंटी एक्स यहाँ पर भी है और ट्वेंटी एक्स यहाँ पर भी, दोनों ही प्लस के हैं, तो दोनों प्लस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके फोर्टी एक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ये देर का क्वेश्चन, इसमें भी सेम उसी तरह ही है, आइडेंटिटी वही लगेगी आपके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ एक बार माइनस तो एक बार प्लस, मतलब माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। इसको भी हम दो बार लिखेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ बीच में माइनस था, इस बार क्या है यहाँ पर प्लस है, प्लस में कोई साइन चेंज नहीं होता, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पहले ए कितना है सेवन एम और बी है ए टेन, तो सेवन एम का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू सेवन एम इंटू ए टेन प्लस एट एन का होल स्क्वायर। अब ये क्या सेम यहाँ पर, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस आ गया, अब यहाँ प्लस है तो सब प्लस के रहेंगे, सेवन एम का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू सेवन एम इंटू ए टेन प्लस एट एन का होल स्क्वायर। अब यहाँ आएगा आपके सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन एम स्क्वायर, टू सेवन जा फोर्टीन, फोर्टीन एट जा वन ट्वेल्व, एम भी आएगा और एन भी आएगा, एट का स्क्वायर होता है सिक्सटी फोर एन स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है तो किसी का साइन चेंज नहीं होगा, सेम लिखना है बस, यहाँ प्लस है सेवन का फोर्टी नाइन, इसको हमने अभी किया था यहाँ पर मल्टीप्लाई, कितना आएगा वन ट्वेल्व एम एन और यह आएगा सिक्सटी फोर एन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये तो है माइनस का और ये है प्लस का, तो यही घटा है बाकी सेम है। देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, फोर्टी नाइन प्लस फोर्टी नाइन नाइन्टी एट एम स्क्वायर, ये भी एम स्क्वायर, ये भी एम स्क्वायर, अब ये भी एन स्क्वायर, ये भी एन स्क्वायर, सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी एट एन स्क्वायर, ये सब क्या है प्लस के ही है, तो ये हो गया हमारा प्लस वाला आंसर। अब सेम यहाँ पर, लेकिन ये सब क्या है आपके प्लस का ही है, सब प्लस का, तो केवल प्लस वाली आइडेंटिटी ही लगानी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपको ही यूज करनी है। ये ए है ये बी है, इसमें ये एन ये बी है, तो पहले ये वाला करते हैं अलग, बीच में आएगा प्लस, फिर करते हैं ये वाला, फोर एम का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू फोर एम इंटू फाइव एन प्लस फाइव एन का होल स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर करेंगे हम ये वाला, तो फाइव एम का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस टू इंटू फाइव एम इंटू फोर एन प्लस फोर एन का होल स्क्वायर। अब यहाँ कितना होता है, फोर फोर जा सिक्सटीन एम स्क्वायर, फोर टू जा एट, एट फाइव जा फोर्टी एम एन, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव एन स्क्वायर, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव एम स्क्वायर, फोर फाइव टू जा टेन, टेन फोर जा फोर्टी एम एन प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन एम स्क्वायर। अब देखो ये एम स्क्वायर है और ये भी एम स्क्वायर है, दोनों ऐड हो जाएंगे, सिक्सटीन प्लस दोनों ऐड करेंगे कितना आएगा फोर्टी वन एम स्क्वायर, ये भी एम एन और ये भी एम एन, तो दोनों फोर्टी फोर्टी है, कितना हो जाएगा एट्टी एम एन, ये भी एन स्क्वायर है, ये भी एन स्क्वायर है, दोनों ही प्लस के हैं, दोनों हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे फोर्टी वन एन स्क्वायर, ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोनों ही माइनस है, तो दोनों में ही आपके माइनस वाली आइडेंटिटी ही लगेगी, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए को हमें यहाँ सॉल्व करना है, बीच में माइनस है, फिर हमें यहाँ सॉल्व करना है, पहले इसके लिए ए तो हो गया ये, बी हो गया ये, तो पहली संख्या का होल स्क्वायर
माइनस टू इंटू ए हो गया, अब यहाँ पर बी भी आएगा, प्लस बी का आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर ए का होल स्क्वायर टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 2.5 का मल्टीप्लाई कितना आएगा आपके 6.25 पी स्क्वायर। अब 2.5 का डबल 5 जा 75, जैसे 750 आता है 200 पॉइंट लग गया, ये आता है 750 पॉइंट लग गया 200 छोड़ गया, ऐसे तो ये हो जाएगा 7.5। पी भी आएगा एंड क्यू भी आएगा, अब प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.25 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है, साइन चेंज होते रहेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा 2.25 पी स्क्वायर। और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके माइनस माइनस प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा सेम 7.5 पी क्यू, प्लस माइनस माइनस इसका मतलब होता है 6.25 क्यू स्क्वायर। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम कट गया, थोड़ा ध्यान रखना ऐसा नहीं कटता है, ये पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर के साथ पी स्क्वायर ही आएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो 6.25 में से 2.25 गया, तो देखो ये समझ 625 है, 625 है और ये 225, तो कितना बचता है 400। अब यहाँ पॉइंट ऐसे यहाँ पर करेंगे ना माइनस, तो यहाँ पर भी 400 है, क्या आएगा क्यू स्क्वायर। ये पॉइंट के पीछे जीरो नहीं लगाओ तो चलता है, मतलब इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हो 4p² 4q² पर ध्यान से, नहीं तो ऐसा नहीं है सर ये प्लस का है ये माइनस से कट गया, जबकि ये क्यू वाला है और ये पी वाला, पी से क्यू नहीं करता। अब ये वाला इसकी आइडेंटिटी होगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो इसकी जगह ए का मतलब क्या हुआ, ab का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए कितना हुआ ab, बी कितना हुआ BC प्लस BC का होल स्क्वायर, और पीछे क्या लिखा हुआ है माइनस 2ab स्क्वायर सी। अब ए स्क्वायर दोनों पर है तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 का 2 a का a, b मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा सी, फिर ए स्क्वायर दोनों पर है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पीछे दे रखा माइनस 2ab स्क्वायर सी। अब देखो सेम प्लस में सेम कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। जैसे पहला क्वेश्चन था ना सेम ऐसे ही क्वेश्चन, बस यहाँ माइनस है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है। ए का मतलब क्या हुआ एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए का मतलब क्या हुआ एम स्क्वायर, बी का मतलब क्या हुआ एन स्क्वायर एम प्लस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका मतलब लिखना है प्लस 2m³n² अब सॉल्व करेंगे, m की पावर कितनी हो गई 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हो 4, 2 का 2 m, यहाँ पर 2 टाइम है यहाँ पर 1 टाइम है, तो m कितना हो गया 3 टाइम, n कितनी टाइम है 2 टाइम। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो n कितना हो गया 4 टाइम और m 2 टाइम, ये 2 × 4 हो गया लेकिन m 2 ही रहेगा, प्लस 2m³n² ये एक बार माइनस में और एक बार कट गया था, हमारा आंसर क्या हुआ m4 प्लस n4 और m² ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और
मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब